मित्रों नमस्कार, निर्णय अकादमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हिस्ट्री टीचर अरुण तिवारी आज आप लोगों के साथ वैदिक सभ्यता तथा संस्कृति पर चर्चा करूंगा। वैदिक सभ्यता तथा संस्कृति, मित्रों ध्यान रखिएगा, इसके पहले हमने आप लोगों के साथ हड़प्पा सभ्यता पर चर्चा किया था। वहां हमने ये नहीं कहा था कि मैं हड़प्पा सभ्यता तथा संस्कृति पर चर्चा करूंगा, लेकिन आज हम आपसे ये कह रहे हैं कि यहां हम लोग वैदिक सभ्यता तथा संस्कृति पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, वैदिक सभ्यता भी है, संस्कृति भी है, लेकिन हड़प्पा मात्र सभ्यता है, संस्कृति नहीं है। ऐसा क्यों? तो मित्रों, सभ्यता तथा संस्कृति में अंतर है। हम आपको बताएं, संस्कृति एक अमूर्त अवधारणा है जो कभी दिखाई नहीं देती। वो या तो हमारे मनोमस्तिष्क में विद्यमान होती है, या तो वो हमारे किसी साहित्य में लिपिबद्ध होती है, या तो जब हम अपने मुंह से बोलें तो अगला उसे सुनकर जान लेता है। वह विशुद्ध अमूर्त अवधारणा है, वो कभी मूर्तिमान नहीं होती। और सभ्यता उसी संस्कृति का मूर्तिकरण है, उसका प्रकटन है, वह मूर्तिमान होती है। तो चूंकि हड़प्पाई लिपि को अभी तक पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हम कैसे जाने कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सोच क्या थी, क्योंकि सोच ही तो संस्कृति कहलाती है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा संस्कृति नहीं है। लेकिन वैदिक सभ्यता भी है, संस्कृति भी है, क्योंकि हमारे पास वैदिक साहित्य उपलब्ध हैं, और वह वैदिक साहित्य हमें यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि वैदिक काल के लोगों की सांस्कृतिक अवधारणा क्या थी। इसीलिए हम लोग इसे वैदिक सभ्यता तथा संस्कृति कहते हैं। मित्रों, आप लोगों को एक बात और जान लेना चाहिए, वैदिक सभ्यता तथा संस्कृति के ज्ञान के लिए, अध्ययन के लिए जो मुख्य साधन है वह है वैदिक साहित्य। क्या है? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य का जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम वैदिक सभ्यता तथा संस्कृति के विषय में कुछ भी नहीं जान सकते। और वैदिक साहित्य के तहत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं? तो वैदिक साहित्य के तहत हम वेद साहित्य, क्या वेद साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, और उपनिषद साहित्य। का अध्ययन करेंगे। मित्रों, एक प्रश्न आता है, क्या निम्नलिखित में से कौन वैदिक साहित्य का अंग नहीं है? तो पता नहीं विकल्प क्या रहे, है ना? बस इतना जान लीजिए कि वैदिक साहित्य कौन कौन है। तो वैदिक साहित्य के तहत क्या क्या आता है? वेद साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, उपनिषद साहित्य। मित्रों, यहीं से प्रश्न आप अपना सही करते चलिए। क्या प्रश्न बनता है? निम्नलिखित में से कौन वैदिक साहित्य का अंग नहीं है? तो मित्रों, ये जान लीजिए कि वैदिक साहित्य का अंग कौन कौन सा है। तो वैदिक साहित्य के चार अंग हैं, वेद साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, उपनिषद साहित्य। तो मित्रों, इस क्लास में हम आपके साथ सबसे पहले
वैदिक साहित्य के विषय में चर्चा करेंगे और इस क्लास में हम आपके साथ इन्हीं चार वैदिक साहित्यों का आपको सामान्य परिचय करवाएंगे। अब चलिए वैदिक साहित्य के तहत हम लोग सबसे पहले वेद साहित्य को देखते हैं। वैदिक साहित्य के तहत सबसे पहले वेद साहित्य, वेद साहित्य मित्रों बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। हम आपको बताएं वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है वेद शब्द का अर्थ क्या है, तो वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। दूसरी बात, वेदों के संकलनकर्ता कौन, वेदों के संकलनकर्ता, ध्यान रखिएगा वेदों के रचयिता नहीं है, वेदों के संकलनकर्ता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास हैं। कभी कभी आप लोग बुक्स में पढ़ना लिखा पाते हैं वेदों के रचयिता, सॉरी ये बात गलत है, वेदों के रचयिता नहीं, वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है, यह प्रश्न पूछा जाता है। और मित्रों आपको बताएं ये जो वेद साहित्य हैं, इनमें मूलतः ज्ञान विषयक बातें सन्निहित हैं। जैसे हम आपसे कहें कि चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान विषयक बात हमें या आपको कैसे पता चली, क्या कहीं से हम पढ़ के जाने, नहीं। देखिए चोरी नहीं करना चाहिए ये ज्ञान विषयक बात हमने सुन के जाना, कैसे जाना, सुन के, सुन के। और जो सुन के जाना जाए उसे श्रुति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है। वेदों की रचना नहीं की गई, वेदों का संकलन किया है और जो संकलित किया जाता है उसे संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। और जिसका रचयिता व्यक्ति विशेष ना हो उसे अपौरुषेय कहा जाता है। जिसका कोई और छोर न पता हो कि इसका रचना काल क्या है तो उसे हम सनातन कहते हैं। और जो बात तीनों कालों में सत्य हो, सभी देशों में सभी स्थानों में सत्य हो, ऐसे सत्य को हम सार्वभौम कहते हैं। और वेदों में ये सारी बातें निहित हैं, इसीलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है, वेदों को संहिता कहा जाता है, वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, वेदों को सार्वभौम कहा जाता है, वेदों को सनातन कहा जाता है, और इससे भी बढ़कर वेदों को ईश्वरीय कहा जाता है। ये माना जाता है कि ये ईश्वर की देन है, किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। मित्रों आपको बताएं वेदों की कुल संख्या चार है। कितनी है, वेदों की कुल संख्या चार है। सबसे पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा
यजुर्वेद, और चौथा अथर्ववेद। तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? चार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। मित्रों, आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है, वेदों को उनके काल क्रम की दृष्टि से व्यवस्थित कीजिए। तो जो क्रम हमने लिखा है यही इनका काल क्रम भी है। सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। मित्रों, आपको एक बात और बताएं, हमारी सनातन परंपरा में ईश्वर को प्राप्त करने के तीन रास्ते बताए गए हैं, तीन मार्ग बताया गया है। एक है ज्ञान मार्ग, दूसरा है भक्ति मार्ग, और तीसरा है कर्म मार्ग। मित्रों, ऋग्वेद में ज्ञान मार्ग की चर्चा की गई है, सामवेद में भक्ति मार्ग की चर्चा की गई है, और यजुर्वेद में कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। इसीलिए इन तीनों वेदों को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। फिर यहां से आप लोगों का एक प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से कौन वेद त्रयी में शामिल नहीं है? बातें समझ में आई? तो देखिए, कौन शामिल नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, बस वेद त्रयी कौन है इसे आप समझने का प्रयास करें। तो वेद त्रयी में तीन वेद शामिल है, एक ऋग्वेद, एक सामवेद, एक यजुर्वेद। ठीक है मित्रों, एक बात और इन चारों वेदों से संबंधित, ये जो यजुर्वेद है ना, चारों वेदों में यही एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें गद्य तथा पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है। गद्य तथा पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है यजुर्वेद में, जबकि अन्य तीनों वेद, चाहे ऋग्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, इन तीनों को सिर्फ और सिर्फ पद्य में लिखा गया है, पद्य में। तो प्रश्न ये पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस वेद में गद्य तथा पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है? यजुर्वेद में। और ये प्रश्न उल्टा भी पूछ लेता है, निम्नलिखित में से किस वेद में गद्य का प्रयोग किया गया है? यजुर्वेद। ठीक है मित्रों, तो ये था चारों वेदों के बारे में सामान्य परिचय। अब हम आप लोगों को एक एक वेद के विषय में अलग से थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि प्रत्येक वेद से संबंधित अलग अलग बातें आपसे परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगर हम प्राचीनता की बात करें तो सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद की चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात यह जान लीजिए कि चारों वेदों में प्राचीनतम ऋग्वेद है। सवाल यह है कि इसे ऋग्वेद क्यों कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है, ये ज्ञान से संबंधित साहित्य है। तो इसे ऋग्वेद क्यों कहा जाता है? उसके पीछे कारण यह है कि ज्ञान विषयक यह साहित्य, दैट मीन्स ऋग्वेद, ऋचाओं के रूप में निबद्ध है। इस रूप में ऋचाओं के रूप में निबद्ध है, इसीलिए इसे ऋग्वेद कहा जाता है। सवाल यह है कि ऋचा किसे कहा जाता है? जब ऋचा जानोगे तभी ऋचाओं समझ में आएगा। तो छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र ऋचा कहलाता है। ऋग्वेद के जितने मंत्र हैं वह किसी न किसी विशेष छंद और अलग अलग चरणों में निबद्ध हैं, इसीलिए इसे ऋग्वेद कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद ऋचाओं के रूप में लिखा गया है? तो ऋचाओं के रूप में ऋग्वेद लिखा गया है। दूसरी बात देखें, अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें, थोड़ा सा वर्गीकरण,
तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं और ऋग्वेद में कुल 10,552 मंत्र हैं। ठीक है। और ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं ना, इसमें से 2 से 7 मंडल यानी कि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम तथा सप्तम, ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल को गोत्र मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोत्र मंडल कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किन मंडलों को गोत्र मंडल में शामिल किया गया है, तो 2 से 7 मंडलों को गोत्र मंडल में शामिल किया गया है। मित्रों एक बात और, ऋग्वेद के जो 1028 सूक्त है ना, देखो वास्तव में जब ऋग्वेद का वेद व्यास जी ने संकलन किया तो वास्तव में ऋग्वेद में सिर्फ 1017 सूक्त थे। ठीक है। जब ऋग्वेद की हस्तलिखित प्रतियां तैयार की जाने लगी तो उसमें कुल 11 सूक्त अतिरिक्त जोड़ दिए गए और संस्कृत भाषा में जो बाद में जोड़ा जाता है, शामिल किया जाता है, उसे खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल। इसीलिए कहा जाता है कि ऋग्वेद में कुल 11 खिल सूक्त है, यानी ये बाद में जोड़े गए हैं। और ये जो ऋग्वेद के खिल सूक्त हैं, ये अधिकांशतः 8वें मंडल में हैं। किसमें हैं? 8वें मंडल में। ऋग्वेद के अधिकांश खिल सूक्त 8वें मंडल में हैं। इसीलिए कुछ लोग 8वें मंडल को खिल मंडल भी कहते हैं। और आपको एक बात बता दें, बहुत अधिक प्रश्न पूछा जाता है गायत्री मंत्र। क्या प्रश्न? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। कहां से? तृतीय मंडल से। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है। गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। ठीक है मित्रों। अगली बात, ऋग्वेद का ये जो 9वां मंडल है ना, 9वां मंडल, ये भी बहुत अधिक पूछा जाता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता, ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है। तो मित्रों ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। एक बात और, प्रश्न पूछा जाता है कि चारों वर्णों, आप लोगों को पता होगा चार वर्ण हैं, चार वर्ण हैं, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एक प्रश्न पूछा जाता है चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहां किया गया है। तो हम आपको बताएं, ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में, किस सूक्त में? पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। उसी मंडल में कहा गया है कि परम पुरुष के मुख से, परम पुरुष मीन्स ब्रह्मा जी, परम पुरुष के मुख से ब्राह्मण वर्ण, भुजाओं से क्षत्रिय वर्ण, उदर से वैश्य वर्ण तथा पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई। और मित्रों अगर ऋग्वेद से संबंधित एक और प्रश्न है,
वो है ऋग्वेद का पुरोहित। ठीक है, तो ऋग्वेद के पुरोहित को, ऋग्वेद के पुरोहित को होत्रिया होता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्रिया होता। यह प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था, तो ऋग्वेद के पुरोहित को होत्रिया होता कहा जाता था। ठीक है मित्रों, तो ऋग्वेद से मुझे लगता है कि जितने संभावित प्रश्न हैं यहां से जरूर हो जाएंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं सामवेद। सामवेद मित्रों, सामवेद के जो अधिकांश मंत्र हैं वे देवताओं की स्तुति हेतु, वंदना हेतु, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए लिखे गए हैं। और दूसरी बात, सामवेद के जो मंत्र हैं वे गायन विधा में लिखे गए हैं, गायन विधा में। इसीलिए सामवेद को प्राचीनतम संगीत ग्रंथ कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है प्राचीनतम संगीत ग्रंथ किसे माना जाता है, तो सामवेद को प्राचीनतम संगीत ग्रंथ माना जाता है क्योंकि यह गायन शैली में लिखा गया है और इसके अधिकांश मंत्र देवताओं की स्तुति हेतु, उन्हें प्रसन्न करने के लिए लिखे गए हैं। ठीक है मित्रों, और जो सामवेद का पुरोहित है, सामवेद का जो पुरोहित है उसे उद्गात्री, उद्गात्री अथवा उद्गाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उद्गात्री अथवा उद्गाता। ठीक है मित्रों, अब हम लोग यजुर्वेद पर थोड़ा सा देख लें। यजुर्वेद, मित्रों ये जो यजुर्वेद है इसके सभी मंत्र, अधिकांश मंत्र मुख्यतः यज्ञों से संबंधित हैं, यज्ञ के विधि विधान से संबंधित हैं। और आपको पता होगा यज्ञ कर्मकांडीय होता है, यज्ञ को ही कर्मकांड कहा जाता है। तो यजुर्वेद मुख्यतः यज्ञ के विधि विधान से संबंधित हैं, इसके अधिकांश मंत्र यज्ञों के विधियों से संबंधित हैं। इसीलिए यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। दूसरी बात, यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक को कहा जाता है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरे को कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद। क्या कहा जाता है? शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। और आप लोगों को यह भी जान लेना चाहिए कि शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है, वाजसनेयी संहिता। और अगर यजुर्वेद से संबंधित आपकी परीक्षा की दृष्टि अंतिम बात है तो यह है कि जो यजुर्वेद का पुरोहित है, पुरोहित उसे अध्वर्युह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अध्वर्युह। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? अध्वर्युह। ठीक है मित्रों, अब हम लोग अथर्ववेद पर थोड़ा सा चर्चा। अथर्ववेद, मित्रों ये जो अथर्ववेद है इसमें कुल 20 कांड हैं। कितने कांड हैं? 20 कांड हैं। ठीक है, 731 सूक्त हैं तथा 5987 मंत्र हैं। ठीक है,
यजुर्वेद के सॉरी अथर्वेद के जितने मंत्र हैं, जितने सूक्त हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है पृथ्वी सूक्त। ये प्रश्न पूछा जाता है, पृथ्वी सूक्त का संबंध किस वेद से है? तो पृथ्वी सूक्त का संबंध अथर्वेद से है। तो अथर्वेद का जो सबसे महत्वपूर्ण सूक्त है वो पृथ्वी सूक्त है। और हम आपको बताएं, पृथ्वी सूक्त में मानव जीवन से संबंधित लगभग समस्त गतिविधियों का, जैसे गृह निर्माण कला, उद्योग निर्माण कला, ठीक है, मार्ग निर्माण कला, समस्त प्रकार के गतिविधियों का वर्णन किया गया है। और आप लोगों को यह भी बता दें कि अथर्ववेद के कुछ मंत्रों में, अथर्ववेद के कुछ मंत्रों में भूत प्रेत, जादू टोना, झाड़ फूंक आदि का भी वर्णन मिलता है। एक प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस वेद में भूत प्रेत, जादू टोना, झाड़ फूंक आदि का उल्लेख मिलता है? तो मित्रों उसका उत्तर है अथर्ववेद, यानी कि भूत प्रेत, जादू टोना आदि का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में, ठीक है। और जो अथर्ववेद का पुरोहित है उसे ब्रह्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता था अथर्ववेद के पुरोहित को? ब्रह्मा, ठीक है मित्रों। तो यह हुआ वेद के संदर्भ में। इसी समय आप लोग एक बात और जान लीजिए, ये जितने वेद हैं इन वेदों से संबंधित उपवेद भी हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए हम यहां तीन कालम बना देते हैं, आप वेद, उपवेद और उसकी विषय वस्तु समझ लीजिए। वेद, उपवेद और विषय वस्तु, विषय वस्तु। तो देख लें, अब पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। कौन सा वेद है? आयुर्वेद। और इसकी विषय वस्तु है चिकित्सा कला। क्या है इसकी विषय वस्तु? चिकित्सा कला, ठीक है मित्रों। दूसरा है सामवेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद की विषय वस्तु है संगीत कला। मित्रों तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और इसकी विषय वस्तु है युद्ध कला। मित्रों चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद और इसकी विषय वस्तु है निर्माण कला। ठीक है मित्रों, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि पूछा जाता है धनुर्वेद का संबंध किस वेद से है? यजुर्वेद से। इसकी विषय वस्तु क्या है? युद्ध कला। इसी प्रकार से चार उपवेद और उसकी विषय वस्तु, ये आप लोगों से परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है मित्रों, अब हम लोग वैदिक साहित्य के एक पड़ाव को तो पार कर लिए। हमने आपको बताया था वैदिक साहित्य के तहत हम आपको क्या क्या बताएंगे। वैदिक साहित्य के तहत हम लोग वेद साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य और उपनिषद साहित्य, इन चार का अध्ययन करना था। तो वेद साहित्य तो हम लोग जान गए, अब हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मण साहित्य के तहत क्या है। ब्राह्मण साहित्य, मित्रों देखें, वस्तुतः ब्राह्मण साहित्य का मतलब, ब्राह्मण शब्द का होता है व्याख्या करने वाला, समस्याओं को सुलझाने वाला, गुत्थियों को सुलझाने वाला। वस्तुतः ब्राह्मण साहित्य कुछ और नहीं है, वेदों की
गद्य में की गई व्याख्या, वेदों की गद्य में की गई व्याख्या ब्राह्मण साहित्य कहलाती है, ब्राह्मण साहित्य कहलाती है। वस्तुतः क्या था कि आर्यों का अनार्यों के भौगोलिक क्षेत्रों में लगातार प्रसार हो रहा था। आर्य संस्कृति अनार्य संस्कृति से प्रभावित हो रही थी। तो जब यह देखा गया कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो हमारे विद्वानों को यह समझ में आया कि वेदों में लिखी गई बातों को आर्यगण भली भांति समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वह अनार्य संस्कृति से प्रभावित हो जा रहे हैं। और हमने आपको बताया कि वेद किसमें लिखे गए हैं, पद्य में लिखे गए हैं। और मित्रों आपको पता होगा पद्य में लिखी गई बात को समझना इतना सरल नहीं होता। अगर उसी पद्य में लिखी गई बात को हम गद्य में लिख दें तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। तो ब्राह्मण साहित्य कुछ और नहीं है, वेदों की सामान्यतः गद्य में की गई व्याख्या। और मित्रों प्रत्येक वेद से संबंधित अलग अलग ब्राह्मण साहित्य लिखे गए हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले सर्वप्रथम यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण साहित्य लिखे गए। दूसरी बात, सर्वाधिक संख्या में साम वेद से संबंधित ब्राह्मण साहित्य लिखे गए। और तीसरी बात आपको बता दें, ब्राह्मण साहित्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सतपथ ब्राह्मण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण साहित्य कौन सा है? सतपथ ब्राह्मण। तो मित्रों यहां से आप लोगों के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो देखें, हम दो कालम बना लेते हैं, एक तरफ वेद और दूसरी तरफ ब्राह्मण, यानी कि उस वेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण साहित्य है। तो मित्रों हम बार बार साहित्य शब्द नहीं लिखेंगे। तो ऋग्वेद से संबंधित दो ब्राह्मण साहित्य लिखे गए हैं, ऋग्वेद से संबंधित दो ब्राह्मण साहित्य लिखे गए हैं। पहले का नाम है ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरे का नाम है कौशीतकी ब्राह्मण। कौशीतकी ब्राह्मण, यह प्रश्न पूछा जाता है कि ऐतरेय ब्राह्मण या कौशीतकी ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, तो ऋग्वेद से। मित्रों साम वेद से संबंधित बहुत ब्राह्मण साहित्य लिखे गए, लेकिन हम आपको सिर्फ दो ब्राह्मण साहित्य बताएंगे जो आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। पहला जैमिनीय ब्राह्मण, कौन सा? जैमिनीय ब्राह्मण। और दूसरा महाब्राह्मण। मित्रों अगर यजुर्वेद से संबंधित बात करें तो दो ही ब्राह्मण साहित्य लिखे ही गए हैं। एक का नाम है तैत्तरीय ब्राह्मण और दूसरे का नाम है सतपथ ब्राह्मण। और अगर अथर्ववेद से संबंधित बात करें तो सिर्फ एक ब्राह्मण साहित्य लिखा गया है और उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। ठीक है मित्रों, यद्यपि ये ब्राह्मण साहित्य का टॉपिक छोटा है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा ब्राह्मण साहित्य किस वेद से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जाता है, ये तैयार करना आपके लिए नितांत आवश्यक है। मित्रों अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आरण्यक साहित्य। आरण्यक साहित्य, आरण्यक साहित्य, मित्रों आप लोगों को पता होगा अरण्य शब्द का अर्थ होता है जंगल। अरण्य शब्द का अर्थ क्या होता है? जंगल। तो आगे हम लोग जिन साहित्यों की बात करने चल रहे हैं उनकी रचना क्योंकि जंगलों में की गई थी, जंगल का मतलब यहां एकांत स्थान से है। जैसे आजकल हमारे वैज्ञानिकों को कोई भी साइंटिफिक रिसर्च करना होता है तो लेबोरेटरीज में जाते हैं, अपनी प्रयोगशालाओं में जाते हैं,
उसी प्रकार से उस कालखंड में हमारे ऋषि लोग जंगलों में जाकर ज्ञान विज्ञान की चीजों की खोज करते थे। तो क्योंकि ये जो आरण्यक साहित्य हैं, इनकी रचना जंगलों में की गई थी, इसीलिए इन्हें आरण्यक साहित्य कहा जाता है। और इनकी कुल संख्या 7 है। आरण्यक साहित्यों की कुल संख्या कितनी है? 7 है, जिसमें से एक का नाम है आयत्रेय आरण्यक, दूसरे का नाम है कौशीतक आरण्यक, तीसरे का नाम है तैत्रीय आरण्यक, चौथे का नाम है मैत्रायणी आरण्यक, पांचवे का नाम है छांदोग्य आरण्यक, और सातवें का नाम है, छठे का नाम है बृहद आरण्यक, और सातवें का नाम है तालवकार आरण्यक। ठीक है मित्रों, ये 4 आरण्यक साहित्य हैं। कौन कौन से? आयत्रेय आरण्यक, कौशीतक आरण्यक, तैतीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक, बृहद आरण्यक, तालवकार आरण्यक। मित्रों, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग के रूप में हम लोग देखेंगे उपनिषद साहित्य। आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उपनिषद साहित्य, मित्रों सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, उपनिषद शब्द का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। जैसे यदि आपको हमसे इतिहास विषय का ज्ञान प्राप्त करना है तो आप हमारे समीप बैठते हो। उसी प्रकार से यदि हमें ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा आदि का ज्ञान प्राप्त करना है तो जिन साहित्यों की शरण में जाना पड़ेगा उन्हें हम उपनिषद साहित्य कहते हैं। उपनिषद साहित्य मूलतः दार्शनिक ग्रंथ हैं। क्या हैं? दार्शनिक ग्रंथ हैं। ठीक है, उपनिषदों को हम वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं, क्योंकि ये ज्ञान के चरमोत्कर्ष हैं। क्योंकि हमारे यहां सबसे बड़ा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को माना गया है, और ब्रह्म ज्ञान संबंधी बातें उपनिषद साहित्यों में ही मिलती हैं। इसीलिए उपनिषद साहित्य को वेदांत भी कहा जाता है। और उपनिषद साहित्य मूलतः है क्या? दार्शनिक ग्रंथ है। मित्रों कुल 108 उपनिषद साहित्य लिखे गए हैं। कुल कितने उपनिषद साहित्य लिखे गए हैं? कुल 108 उपनिषद साहित्य लिखे गए हैं। और इनमें से 108 में से ईशोपनिषद, कौन सा? ईशोपनिषद, ईश उपनिषद प्राचीनतम उपनिषद साहित्य है। ईशोपनिषद प्राचीनतम उपनिषद साहित्य है। मित्रों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में, उनके पुत्र दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का, कितने? 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया और उसका नाम रखा गया सिर्रे अकबर। इसका अर्थ होता है महान रहस्य। सिर्रे अकबर, यह प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था? किसने? दारा शिकोह ने। और दूसरी बात, उसका फारसी अनुवाद जो किया गया है उसका नाम क्या है? सिर्रे अकबर। तीसरा प्रश्न यह भी पूछा जाता है, सिर्रे अकबर क्या है? उपनिषदों का फारसी भाषा में किया गया अनुवाद है। और प्राचीनतम उपनिषद साहित्य कौन सा है? ईशोपनिषद है।
उपनिषद साहित्यों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। देखिए मित्रों, उपनिषद साहित्यों में ढेर सारी महत्वपूर्ण ज्ञान विषयक बातें कही गई हैं, जैसे, और ये परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है, जैसे एक बहुत बड़ी ज्ञान विषयक बात, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये ज्ञान विषयक बात कहां गई गई है? मुंडकोपनिषद। कहां कही गई है? मुंडकोपनिषद में। ये प्रश्न आप लोगों से परीक्षा बराबर पूछा जाता है। ऐसे ही एक प्रश्न पूछा जाता है, यज्ञ टूटी हुई नौका के समान है, वह भवसागर पार नहीं करा सकती, ये बात कहां कही गई है? यह भी बात मुंडकोपनिषद में कही गई है। अगली बात, जैसे एक प्रश्न, देवकी पुत्र कृष्ण का प्रथम उल्लेख कहां मिलता है? देवकी पुत्र कृष्ण का प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कहां? छांदोग्य उपनिषद में। अगली बात, यम तथा नचिकेता के मध्य संवाद का वर्णन कहां मिला है? यम तथा नचिकेता के मध्य संवाद का वर्णन यह मिलता है आपको कठोपनिषद में। एक प्रश्न और, बराबर यह प्रश्न पूछा जाता है, याज्ञवल्क तथा गार्गी के बीच संवाद का वर्णन कहां मिलता है? याज्ञवल्क तथा गार्गी के बीच संवाद का वर्णन बृहद आरण्यक उपनिषद में मिलता है। ठीक है मित्रों, तो यह हुआ वैदिक साहित्य की बात। आज की क्लास में इतना ही, शेष अगली क्लास में। थैंक यू।